लेक्चर में मैंने आपको बताया न्यू मार्क्स चार्ट्स के बारे में, वो क्या होता है न्यू मार्क्स चार्ट, फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया ट्रेपेज़ॉइडल मेथड के बारे में, या जिसको हम 2:1 मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको इक्विवेलेंट नोड मेथड के बारे में भी बताया। तो उसी के साथ हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है कंप्लीट किया था। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज नोन एज क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर हम एक सॉइल की बात करें, अगर हम एक सॉइल देखें, चाहे कोरस ग्रेन सॉइल देखो या फाइन ग्रेन सॉइल देखो, इट्स कंपोज्ड ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। और अगर हम देखेंगे वो सॉइल पार्टिकल्स वो बने होते हैं मिनरल्स से। अगर हम कोरस ग्रेन सॉइल में देखेंगे, कोरस ग्रेन सॉइल में जो मिनरल होते हैं वो होता है फील्ड्सपार एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, मैंने कहा सॉइल जो है, चाहे कोरस ग्रेन सॉइल हो या फाइन ग्रेन सॉइल हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स बने होते हैं मिनरल्स से। अगर हम देखेंगे कोरस ग्रेन सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं फील्ड्सपार एंड क्वार्ट्ज, जो कि इलेक्ट्रिकली जो है इनर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से जो कोरस ग्रेन सॉइल है उसका बिहेवियर जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर, उस सॉइल का बिहेवियर जो है डिपेंड नहीं करता है कि इस सॉइल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। अब अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें, फाइन ग्रेन सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इनर्ट नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से फाइन ग्रेन सॉइल का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि इस सॉइल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इनर्ट नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं। वो क्रिस्टलाइन मिनरल्स जिनकी सरफेस एक्टिविटी हाई है उनको हम कहते हैं क्ले मिनरल्स। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन मिनरल्स जिनकी सरफेस एक्टिविटी हाई है उनको हम कहते हैं क्ले मिनरल्स। मीन्स वो मिनरल्स जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, वो मिनरल्स जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो और जिनकी सरफेस एक्टिविटी हाई हो उन्हीं को हम कहते हैं क्ले मिनरल्स। अब सरफेस एक्टिविटी आपको पता है, एक्टिविटी होते हैं बराबर रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल टू द क्ले कंटेंट इन द सॉइल। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं इसको, एक्टिविटी जो है वो होता है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल टू द परसेंटेज क्ले कंटेंट इन द सॉइल, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी। अब वो क्रिस्टलाइन मिनरल्स जिनकी क्लियर, वो क्रिस्टलाइन मिनरल्स, ठीक है, जिनकी सरफेस एक्टिविटी हाई है उनको हम कहते हैं क्ले मिनरल्स। यही मिनरल्स सॉइल में कोहिजन और प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, जो सॉइल में कोहिजन दिखाती है, फाइन ग्रेन सॉइल, या प्लास्टिसिटी दिखाती है, वो सॉइल में इम्पार्ट करते हैं, यही क्ले मिनरल्स सॉइल को इम्पार्ट करते हैं। और इसीलिए क्ले मिनरल्स का स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्ले। क्ले का बिहेवियर देखने के लिए हमें पहले इन्हीं क्ले मिनरल्स का स्टडी करना पड़ता है। अब क्ले मिनरोलॉजी क्या होता है? तो क्ले मिनरोलॉजी हम कहते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स। ठीक है, ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स ऑन मॉलिकुलर लेवल, ऑन एटॉमिक लेवल, ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, हम सिंपली कहते हैं क्ले मिनरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स ऑन मॉलिकुलर लेवल, ऑन एटॉमिक लेवल एंड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, अब इसमें हम मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन भी देखते हैं क्ले मिनरल्स का, मीन्स क्ले मिनरल्स किस किस चीज से बने होते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स जो है ये बने होते हैं दो स्ट्रक्चरल यूनिट से,
ठीक है, मैंने कहा क्ले मिनरल जो है ये बने होते हैं दो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से, दो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से। तो पहला जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वह है टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट। और जो दूसरा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब हम पहले देखेंगे टेट्राहेड्रल यूनिट। अब टेट्राहेड्रल यूनिट में क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम होता है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द चार ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, सच दैट दे फॉर्म द शेप ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन विद सिलिकॉन एटम एट द सेंटर। ठीक है, मैंने कहा एक टेट्राहेड्रल यूनिट में क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम होता है जिसके इर्द गिर्द चार ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, सच दैट देख टेट्राहेड्रॉन की शेप बनाते हैं जिसमें सिलिकॉन एटम सेंटर पे होता है, लाइक दिस। अगर ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो ऐसे ऐसे एक शेप बनाती है वो टेट्राहेड्रॉन की, जिसके सिलिकॉन एटम जो है सेंटर पे होता है। तो ये तो थ्री डायमेंशनल व्यू मैंने बनाया, अगर हम टू डायमेंशनल व्यू बनाए तो वो कुछ ऐसे आता है। ठीक है, टू डायमेंशनल व्यू कुछ ऐसे आता है, ये है सिलिकॉन एटम, ये है ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन और ये भी है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम इस इंडिविजुअल टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करेंगे और इस पे चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ठीक है, आपको पता है सिलिकॉन पे चार्ज होता है +4, और ऑक्सीजन पे भी यहां पे भी -2 होगा और -2 होगा। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे पर टेट्राहेड्रॉन वो कितना आएगा, ये आएगा -2 +4 और यहां पे है -6 आएगा, तो कितना आएगा, तो आएगा 4 - 8, तो आएगा -4। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे एक इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन में चार्ज होता है -4, बट ये इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या होता है, ये टेट्राहेड्रॉन बाकी टेट्राहेड्रॉन से मिलता है और एक शीट बनाते हैं, उस शीट को हम कहते हैं सिलिका शीट, सिलिका शीट। ठीक है, अब जब ये बाकी टेट्राहेड्रॉन्स कंबाइन होते हैं और सिलिका शीट बनाते हैं, तो ये कंबाइन इस तरह होते हैं सच दैट द बॉटम ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड टू टू टेट्राहेड्रॉन्स। तो मैंने कहा जब ये इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन जो है कंबाइन होते हैं, तो बॉटम वाले ऑक्सीजन जो है दैट आर शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रॉन्स, और जो टॉप वाला ऑक्सीजन है दैट इज शेयर्ड बिटवीन ओनली वन टेट्राहेड्रॉन। बॉटम वाले ऑक्सीजन शेयर होते हैं विद टू टेट्राहेड्रॉन्स और टॉप वाला ऑक्सीजन सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रॉन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जब ये बॉटम वाले ऑक्सीजन कनेक्ट हुए विद टू टेट्राहेड्रॉन्स, तो इनका जो चार्ज है इन बॉटम ऑक्सीजन का, ये भी शेयर होगा विद टू टेट्राहेड्रॉन्स। तो फिलहाल जब टेट्राहेड्रॉन्स कंबाइन होते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं कंबाइन। तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है, ये कंबाइन होता है दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ, बट इसके जो ऑक्सीजन है बॉटम वाले ऑक्सीजन दैट आर शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रॉन्स, तो वो कुछ ऐसे शेयर होते हैं, और ये वाला ऑक्सीजन भी किसी दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ यहां से शेयर होता है। ठीक है, हो गए दो टेट्राहेड्रॉन। इसी तरह एक और टेट्राहेड्रॉन हम लेंगे, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयर होता है, और ये एक और ऑक्सीजन है इसका अपना। इसी तरह अगर हम एक और टेट्राहेड्रॉन लें,
तो ये दो ऑक्सीजन इसके साथ शेयर होंगे और यहां से एक और ऑक्सीजन होगा, इसी तरह इसका ये वाला ऑक्सीजन एक और टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये टेट्राहेड्रॉन जो है कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए सिलिका शीट। अब जब ये ऑक्सीजन शेयर होते हैं बिटवीन द टू टेट्राहेड्रॉन्स, इन पे जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो शेयर बिटवीन द टू टेट्राहेड्रॉन्स। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन की जिसका चार्ज कितना है -4, एक इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन का चार्ज आपने अभी देखा कि वो होता है -4, बट जब ये कंबाइन होते हैं तो ये ऑक्सीजन अब दो टेट्राहेड्रॉन के साथ कनेक्टेड है, तो दैट मींस इस ऑक्सीजन का -1 दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयर होगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी -1 दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयर होगा और इस ऑक्सीजन का भी -1 दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयर होगा। तो -1 -1 -1 तो -3 चार्ज शेयर हो गया दूसरे टेट्राहेड्रॉन के साथ। इंडिविजुअल में कितना था -4, अब -4 में से अगर हम -3 बाहर निकालें तो वहां पे क्या रहता है -1। तो दैट मींस जब एक टेट्राहेड्रॉन कंबाइन होते हैं, जब टेट्राहेड्रॉन्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सिलिका शीट, देन उस टाइम पे ईच टेट्राहेड्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट होगा -1, ठीक है। मैंने कहा जब टेट्राहेड्रॉन्स जो है कंबाइन होते हैं तो हर एक टेट्राहेड्रॉन पे जो नेट चार्ज जो होगा वो होगा -1। अगर हम इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन की बात करें जो जो सिलिका शीट में नहीं है बाहर है, तो उसमें चार्ज जो होता है वो होता है -4, बट इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये सिलिका शीट में पाया जाता है। अब जब ये कंबाइन करते हैं तो इसमें जो नेट चार्ज आता है एक टेट्राहेड्रॉन पे वो आता है -1। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चार टेट्राहेड्रॉन्स कनेक्टेड है और आपको पता है जब ईच टेट्राहेड्रॉन कनेक्टेड होता है तो उसमें नेट चार्ज कितना होता है -1, इंडिविजुअल में -4 होता है, लेकिन जब कनेक्टेड होता है फिर -1 आता है चार्ज इंडिविजुअल टेट्राहेड्रॉन पे। तो यहाँ पे कितने टेट्राहेड्रॉन है 1 2 3 4, तो नेट चार्ज जो आएगा यहाँ पे वो आएगा -4 इन चार टेट्राहेड्रॉन की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट है ये बना होता है एक एल्युमिनियम एटम का या एक मैग्नीशियम एटम का, जिसके इर्द गिर्द 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स होते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो है ये बना होता है या तो एल्युमिनियम एटम का या फिर मैग्नीशियम एटम का, जिसके इर्द गिर्द 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स होते हैं, ताकि वो एक शेप बनाते हैं ऑक्टाहेड्रॉन की विद एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एट द सेंटर, ठीक है। एक एल्युमिनियम एटम या एक मैग्नीशियम एटम के इर्द गिर्द 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स होते हैं ताकि वो एक शेप बनाते हैं ऑक्टाहेड्रॉन की, और एल्युमिनियम एटम जो है वो सेंटर पे रहता है और हाइड्रोक्सिल एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे रहते हैं, ठीक है। अगर हम 2D डायग्राम बनाए इसकी वो कुछ ऐसे आती है, ये है एल्युमिनियम, ये है हाइड्रोक्सिल एटम्स, ठीक है। ये है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम आपको पता है उस पर चार्ज होता है 3+, और ये हाइड्रोक्सिल है OH, और हाइड्रोक्सिल एटम पे आपको पता है -1 चार्ज होता है हाइड्रोक्सिल एटम पे, या जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे नेट चार्ज यहाँ पे पर ऑक्टाहेड्रॉन वो कितना आएगा, टॉप पे आएगा -1 -1 -1 हो गया -3 +3, नीचे भी आएगा -3, तो -3, तो -3 आ रहा है चार्ज पर ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है।
अब ये ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंबाइन करता है बाकी ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स के साथ और एक शीट बनाता है। ठीक है, मैंने कहा ये ऑक्टाहेड्रॉन जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंबाइन करता है बाकी ऑक्टाहेड्रॉन्स के साथ और एक शीट बनाता है। अगर सेंटर पे एल्यूमिनियम एटम है तो उस शीट को हम कहते हैं गिब्साइट शीट, गिब्साइट। ठीक है, अगर सेंटर पे एल्यूमिनियम एटम है फिर उस शीट को हम कहेंगे गिब्साइट शीट। अगर सेंटर पे मैग्नीशियम एटम है तो उस शीट को हम कहते हैं ब्रूसाइट शीट, ब्रूसाइट शीट। ठीक है, अब इसी तरह अगर सेंटर पे आयरन एटम है देन उस शीट को हम कहते हैं फेराइट शीट, फेराइट शीट। अब गौर से देखना, जब ये ऑक्टाहेड्रॉन्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए शीट तो उस शीट में क्या होता है, हर कोई हाइड्रोक्सिल एटम जो है दैट इज शेयर्ड बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रॉन्स। ठीक है, मैंने कहा जब ये ऑक्टाहेड्रॉन्स या ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म शीट, अब वो शीट या तो गिब्साइट शीट हो सकता है, ब्रूसाइट शीट हो सकता है या फेराइट शीट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक है, अब जब ये कंबाइन होते हैं ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए शीट तो हर कोई हाइड्रोक्सिल एटम जो है वो शेयर होता है बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। मींस शीट में हर कोई हाइड्रोक्सिल एटम जो है वो कंबाइंड होता है विद थ्री ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। अब गौर से देखना, ईच हाइड्रोक्सिल एटम हैज अ चार्ज ऑफ माइनस वन है, हर किसी हाइड्रोक्सिल एटम पे चार्ज कितना है, माइनस वन। अब जब ये हाइड्रोक्सिल एटम जो है शेयर होता है बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रॉन्स, ठीक है, अब जब ये हाइड्रोक्सिल एटम शेयर होता है बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रॉन्स देन चार्ज शेयर्ड ऑन ईच ऑक्टाहेड्रॉन कितना होगा। ठीक है, देन चार्ज शेयर्ड ऑन ईच ऑक्टाहेड्रॉन कितना होगा, वो सिंपली होगा माइनस वन बाई थ्री। जब ये हाइड्रोक्सिल एटम शेयर होता है बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रॉन्स तो हर किसी ऑक्टाहेड्रॉन पे एक ऑक्टाहेड्रॉन पे कितना चार्ज शेयर होगा, ऑब्वियसली माइनस वन बाई थ्री। तो टोटल हमें कितने हाइड्रोक्सिल एटम्स है पर ऑक्टाहेड्रॉन, टोटल हमें छह हाइड्रोक्सिल एटम्स है पर ऑक्टाहेड्रॉन, तो टोटल कितना होगा, टोटल चार्ज शेयर कितना होगा, वो होगा सिंपली माइनस वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, तो वो आएगा माइनस टू। तो दैट मीन्स टोटल चार्ज शेयर्ड बाय सिक्स हाइड्रोक्सिल एटम्स ऑन ईच ऑक्टाहेड्रॉन वो आएगा माइनस टू। ठीक है, टोटल चार्ज शेयर्ड बाय सिक्स हाइड्रोक्सिल एटम्स ऑन ईच ऑक्टाहेड्रॉन वो कितना आएगा, माइनस टू। शाबाश, अब हर किसी ऑक्टाहेड्रॉन पे नेट नेगेटिव चार्ज माइनस टू है, नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहां पे प्लस थ्री है, तो नेट चार्ज कितना आया, प्लस वन आया। तो दैट मींस जब ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो जब कॉम्बिनेशन में ईच ऑक्टाहेड्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ प्लस वन। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आपने अभी देखा इंडिविजुअली एक ऑक्टाहेड्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस थ्री, बट जब ये कंबाइन होते हैं देन ईच ऑक्टाहेड्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ प्लस वन। इससे पहले आपने अभी देखा कि हर किसी टेट्राहेड्रल यूनिट पे जब कंबाइन होते हैं तो उस पे चार्ज आता है माइनस वन, यहां पे ईच ऑक्टाहेड्रल यूनिट इन कॉम्बिनेशन हैज ए चार्ज ऑफ प्लस वन। अब यही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स है या टेट्राहेड्रल यूनिट्स है या सिंपली हम कहेंगे सिलिका शीट या एंड गिब्साइट शीट, ये कंबाइन होते हैं डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट ज्योमेट्रीज में, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट क्ले मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। अब कभी कभी क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से कोई एटम रिप्लेस किया जाता है या कोई एटम रिप्लेस होता है खुद ही, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल यूनिट है उसमें से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस किया जाता है एल्यूमिनियम एटम से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन।
अब ये तभी पॉसिबल होगा जब इस क्ले मिनरल के पास जो वाटर होगा उसमें जो है अल्मोनियम जो है रेडीली अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर क्ले मिनरल के पास जो वाटर है वहाँ पे अल्मोनियम रेडीली अवेलेबल है तो वो अल्मोनियम जो है सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा फ्रॉम द टेट्राहेड्रल यूनिट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। इस प्रोसेस को आपको डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसी होती है, क्या होती है, ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि आगे कुछ क्ले मिनरल्स जो है वो बनते हैं बाय दिस आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। अब अज्यूम कर लो बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन एक टेट्राहेड्रल यूनिट से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस किया बाय एल्युमिनियम एटम, ठीक है। मान लो एक टेट्राहेड्रल यूनिट से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस हुआ एल्युमिनियम एटम से बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एल्युमिनियम को कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, बट सिलिकॉन को कितना चार्ज था, 4 पॉजिटिव। तो दैट मींस अब क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो दैट मींस यूजुअली बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं बाय आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है।